नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय ने अपने पास या पीटीओ को इश्यू करा लिया है और उसके बाद किसी कारण से अगर उनको कैंसिल कराना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसके द्वारा पास या पीटीओ को कैंसिल कराया जा सकता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट दोस्तों उसमें अटैच करने पड़ेंगे ताकि आपका जो पास है वो बिना किसी परेशानी के कैंसिल हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपना जो HRMS का पोर्टल है वहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। तो पास, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो इश्यूड पास हैं उनमें से हमें कौन सा कैंसिल कराना है। तो जो हमारा मेन डैशबोर्ड है इसमें ये पास ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है दोस्तों माई इश्यूड पासेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये खुल के आ गया है। इसके बाद देखिए सेलेक्ट सेलेक्ट टाइप ऑफ पासेस। तो यहाँ पे हमें क्या है दोस्तों, हमारा जो पास है वो कोई भी हमारा इस समय इश्यूड नहीं है, एक पीटीओ इश्यूड है। तो हम यहाँ पे पीसीओ पीटीओ है उसी को सेलेक्ट करके और गो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पीटीओ हमें दिखाई दे रहा है, इसके आगे यहाँ पे लिखा रहा है कैंसल। तो यहाँ कैंसल पे क्लिक करेंगे दोस्तों इसको कैंसिल करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं पीटीओ से प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ और पास से मैं स्वयं भी एक बार कर चुका हूँ, तो पास तो कैंसिल हो ही जाता है और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि पीटीओ भी कैंसिल हो जाता है। तो जो कैंसिल पास है इसके नीचे लिखा है कैंसिल, तो कैंसिल पर दोस्तों क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो हमारे सामने खुल के आई है, और इस विंडो में देखिए दोस्तों छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है पास कैंसिलेशन का रीजन। तो पास कैंसिलेशन का रीजन हम अभी दोस्तों आपको एक अलग से PDF में दिखा देंगे। यहाँ पे काफी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बिल्कुल यही रीजन हम अभी बताते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए ऊपर आ रहा है यूनिक पास नंबर, यहाँ पास नंबर आ रहा है PTO नंबर के कौन सा हमें कैंसिल कराना है। उसके बाद आ रहा है अपलोड अप्रूव डॉक्यूमेंट। तो अप्रूव डॉक्यूमेंट क्या होंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है आपका पास कैंसिलेशन का रीजन ऐसा होना चाहिए जो आपकी कंट्रोल से बाहर हो, यानी कि ऐसा रीजन जिसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, कर्मचारी की वजह से वो समस्या पैदा नहीं हुई है। तो उस रीजन के साथ आपको अपने कंपिटेंट अथॉरिटी को एक लेटर लिखना है बिल्कुल सादा कागज पे, और उस लेटर में एक क्या आपका रीजन है उसका एक प्रूफ आपको देना है। जैसे रेलवे डॉक्टर ने आपको सिक सर्टिफिकेट जारी किया है तो आप सिक सर्टिफिकेट उस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई और प्रकार का प्रूफ है वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। आपकी ट्रेन कैंसिल है कहीं नेचुरल क्लेमिटी की वजह से वो आप लगा सकते हैं, या फिर आपको आपके जो इंचार्ज हैं सुपरवाइजर हैं उन्होंने छुट्टी ही नहीं दी तो उसका भी रीजन आप अपने इंचार्ज से ही लिखवा के लगा सकते हैं। तो उसमें दोस्तों आपके 2 पेज हों या 3 पेज हों उनकी एक कमेंट PDF बना के और यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, और यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स में आपको रीजन लिखना है और रीजन लिखने के बाद सबमिट कर देनी है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है जो पास कैंसिलेशन के लिए वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, और उस एप्लीकेशन को जो कागज़ पे लिखी थी पहले ही अप्रूव दोस्तों हमें करा लेना है। तो ये तो थी दोस्तों HRMS की बात, यहाँ काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है तो इसी को हम अभी आपको अलग से बताते हैं। तो अब एक अलग दोस्तों PDF आपको दिखाते हैं इसके लिए। देखिए एक ये हमारे पास सर्कुलर है, पहले इसकी डेट दिखाते हैं, ये आपका रेलवे बोर्ड ने जारी किया था दोस्तों 25/5/2022 को। तो इसमें भी पास कैंसिलेशन के अगेंस्ट रूल दिए हुए हैं। इसका सब्जेक्ट है कैंसिलेशन ऑफ प्रिविलेज पास ई पास इश्यूड थ्रू HRMS मॉड्यूल। अब यहाँ पर लिखा है द ई पास मॉड्यूल डज प्रोवाइड डबल चेक मैकेनिज्म फॉर स्टेशन कोड्स। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो ई पास मॉड्यूल है उन्होंने डबल चेक जो मैकेनिज्म है वो आपको दिया हुआ है। उसमें देखिए स्टेशन कोड्स आपको चेक करने हैं, फैमिली चेक करनी है, ब्रेक जर्नी चेक करनी है बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन थ्रू HRMS मॉड्यूल। द HRMS मॉड्यूल डिस्प्ले ए
कन्फर्मेटरी मैसेज। तो पहले आपको दोस्तों डबल चेक मैकेनिज्म है, उसके बाद एक कन्फर्मेटरी जो मैसेज आता है, तो सारी चीज़ें आप देख लो। उसके बाद क्लियरली वहाँ मेंशन किया जाता है कि जो पास है उसको कैंसिलेशन का कोई रूल नहीं है। इसके बाद नीचे दिया है इन्होंने, इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न एम्प्लॉय हु वाज अकाउंट इज मेंटेन्ड इन रेलवे बोर्ड दैट वंस ए प्रिविलेज पास पीटीओ इज इश्यूड ऑनलाइन थ्रू एचआरएमएस। यानी कि एक बार यदि आपका पास पीटीओ एचआरएमएस से इश्यू हो जाए, उसके बाद देखिए नो कैंसिलेशन विल बी अलाउड एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यानी कि कुछ स्पेशल परिस्थितियों को छोड़कर आपका पास पीटीओ कैंसिलेशन का कोई नियम नहीं है, लाइक ए टेक्निकल एरर एनी अदर वैलिड रीजंस, वैलिड रीजन होना चाहिए, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय कंसर्न, यानी कि एम्प्लॉय की कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों रेलवे का लेटर। इसके बाद दोस्तों हमने अपने अनुभव से जितने हमने आज तक पास बनाए हैं या कैंसिल किए हैं, उसके आधार पर दोस्तों हमने एक पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ में देखिए हमने कुल 7 क्वेश्चन सबमिट किए हैं। उन 7 क्वेश्चन में पास कैंसिलेशन के सारे रूल्स दोस्तों आपको पता चल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला है कि रेलवे पास पीटीओ को एचआरएमएस में कौन सी परिस्थिति में कैंसिल करा सकते हैं। वही मतलब बात हुई कि कौन से रीजन हो सकते हैं कि हमारा जो पास पीटीओ है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एचआरएमएस पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, ये उसी का हिंदी वर्जन है दोस्तों, हमने इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं की है। तो दोस्तों एक बार जारी किया गया पास बिना डेबिट के रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार अगर आपके अकाउंट से कोई पास जारी हो गया तो वो आपके अकाउंट से डेबिट होना ही होना है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता है, सिवाय बहुत विशेष परिस्थितियों के, जब जारी करने वाला प्राधिकारी पास रद्द करने की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होता है। यानी कि जिसने पास जारी किया है अगर वो आपके रीजन से एग्री हो जाए तब वो दोस्तों आपके पास को कैंसिल कर सकता है, और यह केवल बहुत ही सीमित परिस्थितियों में किया जाएगा, जैसे ड्यूटी से छुट्टी ना मिलना। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिली है तब वो दोस्तों पास कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, एक एप्लीकेशन को पहले से सैंक्शन कराना होगा। दूसरा है दोस्तों बीमारी समर्थित रेलवे डॉक्टर का प्रमाण पत्र, यानी कि रेलवे डॉक्टर का सिक सर्टिफिकेट है, अगर एम्प्लॉय सिक हो गया तब भी वो दोस्तों अपने पास को पीटीओ को कैंसिल करा सकता है। अगला है दोस्तों मृत्यु के केस में, यानी कि अगर रेलवे एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स में किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी वो अपने पास को कैंसिल करा सकता है। इसके अलावा परिवार में दुर्घटना, अगर कोई दुर्घटना हो गई है, सीरियस मामला है, तब भी वो कैंसिल करा सकते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदा जिसके कारण ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं। यानी कि देखिए आपने सुना होगा कि अक्सर जो हमारा हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है वहाँ पे बाढ़, भूस्खलन इत्यादि प्रकार की जो आपदाएं आती रहती हैं, इसके कारण बहुत सारी ट्रेनें दोस्तों रेलवे द्वारा कैंसिल कर दी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप पास कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे सभी मामलों में रद्दीकरण के लिए उल्लिखित कारणों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समर्थन और सिफारिश के साथ उचित दस्तावेजी प्रमाण पत्र होना चाहिए, कृपया आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। तो ये रीजन कोई भी हो, आपको एक सादा पेपर पर एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ एक प्रूफ भी लगाना है, और जब वो प्राधिकारी आपकी एप्लीकेशन को सैंक्शन कर दें उसके बाद उसे आपको एचआरएमएस पोर्टल पे अपलोड भी करना है पीडीएफ बना के, तब आपका जो पीआईए है आपके पास या पीटीओ को कैंसिल करेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पीटीओ भी कैंसिल हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, एचआरएमएस में पीटीओ को भी कैंसिल कराया जा सकता है, बिल्कुल जैसे पास को कैंसिल कराते हैं सेम वही प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी में, एचआरएमएस में पास पीटीओ कैंसिल कराने की अवधि कितनी होती है, या ई पास पीटीओ जारी होने की तारीख से कितने बाद तक कैंसिल करा सकते हैं? तो दोस्तों जब तक पास पीटीओ की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है तब
तब तक आप कैंसिल करा सकते हैं, बशर्ते आपने पास पीटीओ का उपयोग न किया हो। मान लीजिए दोस्तों आपने एक पास पीटीओ इश्यू कराया और उस पास पीटीओ का आपने यूज नहीं किया है, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है दोस्तों, जब तक वैलिडिटी उसकी खत्म नहीं हो जाती, उससे पहले कभी भी आप वैलिड रीजन के साथ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है दोस्तों कि पास पीटीओ कैंसिल कराने के लिए कौन कौन सी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों दो डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन सेंक्शन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, पहली ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, आप सादा कागज़ पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे और कंपिटेंट अथॉरिटी के नाम से अथॉरिटी उसको साइन करके सेंक्शन कर देगी कि हाँ जो पास कैंसिल हो सकता है, तब ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। और दूसरा हो गया उसके साथ में प्रूफ ऑफ कैंसिलेशन रीजन। अब मान लीजिए आपने ये कहा था कि मैं बीमार था या बीमार हूँ, मैं यात्रा नहीं कर पाऊँगा और मैं पास को कैंसिल कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ कैंसिलेशन में आपको रेलवे डॉक्टर द्वारा जो सिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, और इन दोनों डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ बना के एचआरएमएस पोर्टल पे अपलोड करनी होगी जब आप पास कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा, क्या पास पीटीओ कैंसिल कराने के बाद फिर से जारी हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका पास पीटीओ कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा और जब आपका मन करे आप उसको फिर से जारी करा सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन दो, पहला हमने एचआरएमएस पोर्टल से एज इट इज लिया है, और दो के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इनके जो आंसर हैं हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि जितना हमने किया है करके देखा है। उसके बाद अगला है दोस्तों छठवां, क्या ट्रेन कैंसिल होने की वजह से पास पीटीओ कैंसिल हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रेन कैंसिल होने के कारण भी पास कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेन कैंसिल हो रही है उसमें पास धारक की कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से वो ट्रेन कैंसिल नहीं हो रही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पास पीटीओ जारी होने के बाद अगर 5 महीने तक उस पास पीटीओ पर टिकट बुक नहीं कराई तब क्या होगा। तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो पास है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, यानी कि जब पास जारी होता है उसकी एक वैलिडिटी होती है 5 महीने की, 5 महीने तक अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी पास अपने आप दोस्तों आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, वो पास दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से पास कैंसिलेशन के सारे नियम हैं उनके बारे में कंफर्मेशन क्लियर हो गया होगा, और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।